हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठहर सीबीगंज बरेली में। देखिए, हम आपके लिए लगातार एक्सरसाइज को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो आपके लिए एक्सरसाइज चल रही है वो कौन सी है? 7.1। 7.1 एक्सरसाइज जो वन है, 7.1 है, उसमें निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर चल रहा है। निर्देशांक ज्यामिति में हमने आपके लिए पिछली वीडियो में जो पार्ट वन देखेंगे आप, उसमें हमने आपको दो प्रश्न बताए हैं बेटा। कितने प्रश्न बताए हैं? दो प्रश्न। अब आपके लिए जब दो प्रश्न बता दिए हैं तो हम आपके लिए पूरा सिलेबस कराने वाले हैं, तो हम तीसरा प्रश्न इसमें बताएंगे। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। बुक आपके लिए वही चल रही है विद्या की, और आपके लिए तीसरा प्रश्न ये है, ये लिखा है। तो मैं क्या तीसरा प्रश्न लिख दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न ये है कि बिंदु ए जो दिया गया हमें वो C,0 है, ये दिया गया बुक में आपकी, और बी जो बिंदु दिया गया है वो दिया गया है आपके लिए 0,-C, ये दिया गया है। आप देखिए 0,-C दिया गया है, इसके बीच की दूरी निकालनी है आपके लिए। मैं लिख देता हूं के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी निकालनी है बच्चे। तो बीच की दूरी निकालने के लिए आपको फार्मूला की ज़रूरत है, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो फार्मूला क्या होता है मैं आपके लिए लिख देता हूँ। बीच की दूरी निकालनी है तो ए बी बराबर स्क्वायर रूट के अंदर x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर, ये है, ये सूत्र है आपका। और सिंपली आप क्या करेंगे, इसको जैसे क्वेश्चन को करते हैं वैसे करेंगे। देखिए ए बी बराबर, ये इसको मानो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ये ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो सिंपली आप स्क्वायर रूट के अंदर करो x2-x1, x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान है c स्क्वायर प्लस y2 का मान है -c और -y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर बराबर में स्क्वायर रूट के अंदर। देखो 0 में से -c घटाओगे बेटा तो कितना बचेगा, माइनस का c का होल स्क्वायर प्लस -c, -0 है तो -0 का प्रभाव नहीं डालेगा, यानी -c आ जाएगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर। देखिए बहुत आराम से समझेंगे, हर वीडियो में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर क्वेश्चन को कराया जाएगा, जिसमें आपको डेली वीडियो मिलेगी और आप ध्यान से पढ़ते जाएंगे, पूरा सिलेबस आपके लिए आपको वीडियो में दिखाया जाएगा, ठीक है ना, आप सीख सकते हैं। अब तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -c का स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ भी c स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर c स्क्वायर जुड़ जाएगा बेटा, तो c स्क्वायर जुड़ करके कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो 2c स्क्वायर हो जाएगा। 2 का तो वर्गमूल हो नहीं पाएगा तो √2 आ जाएगा, और c स्क्वायर का जो वर्गमूल है वो c आ जाएगा, यानी ab बराबर आ गया रूट के अंदर 2c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ab बराबर √2c है जो आपका आंसर हो जाएगा। और आप ये ध्यान रखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जब ही समझ में आने वाला है, जब आप बहुत ही पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपके लिए हर चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए आपके लिए सवाल है, इसके बाद सवाल इसमें लिखा गया चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चौथा, ध्यान से देखिए, चौथा प्रश्न है आपके लिए। चौथा प्रश्न क्या है, यहाँ पर बुक में लिखा है x तथा y अक्ष में बिंदु 3-5 के प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए लिखा है x तथा y अक्ष में बिंदु 3-5 के प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें यहां पर लिखना है x कोऑर्डिनेट जो 3 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है, 3,5 है, ठीक है, इसके प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी इसका प्रतिबिंब निकालना है। तो यहां पर क्या करना है आपके लिए, इसका प्रतिबिंब निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं एक्स और वाई, तो हम प्रतिबिंब इसका निकालेंगे उल्टा। तो हम पहले इसको बना लेते हैं,
एक्स अक्ष पर तीन है तो यहां पर एक्स अक्ष होती है ये, और ये होती है वाई अक्ष, ये माइनस वाई अक्ष, ये माइनस एक्स अक्ष, यही तो होती है बेटा। अब क्या करेंगे, तीन कहां पांच का प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो तीन कहां होगा प्लस वाले में, यानी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी प्लस है, तो प्लस तीन हो गया यहां पर, तीन कहीं मान सकते हो वन टू और तीन, ये तीन हो गया। इसी तरीके से पांच बाई पर है तो बाई पर पांच लेना पड़ेगा, एक दो तीन चार और ये पांच, ये बिंदु है, डॉट डॉट लाइन खींच देंगे। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए एक्स जो कोऑर्डिनेट है तीन और वाई कोऑर्डिनेट है आपके लिए पांच, तो पांच को यहां लाओगे निगेटिव पे और एक्स को इधर लाओगे। एक्स को क्या लाओगे, एक्स को निगेटिव में ले जाओ। अगर एक्स को पहले तीन ही रखा तो एक्स को अगर आप तीन रखोगे, देखो एक्स का मान तीन ही रखोगे और वाई का मान निगेटिव में लाओगे पांच, तो माइनस का पांच हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का पांच, तो इसका तीन कोमा माइनस पांच हो जाएगा प्रतिबिंब, क्या हो जाएगा प्रतिबिंब यानी इमेज, तीन कोमा माइनस पांच। और एक आपके लिए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अगर हम एक्स को निगेटिव माने, एक्स को निगेटिव मानेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस का तीन, एक्स अगर मैं निगेटिव में मानू माइनस का तीन और वाई को मैं पॉजिटिव रहने देता हूं तो माइनस का तीन कोमा पांच हो जाएगा, ये इसका प्रतिबिंब हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। तो प्रतिबिंब दो प्राप्त होंगे, कितने प्राप्त होंगे दो प्रतिबिंब, तो यहां पर दो प्रतिबिंब यहां पर होंगे, यहां पर एक तीन कोमा माइनस पांच और एक माइनस तीन कोमा पांच, ये दो प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, जब जब आप हमेशा हमारी वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत लाभ मिलने वाला है इस चैनल पर, और हमारे द्वारा आपको पढ़ाया गया अच्छा समझ में आ रहा होगा आई होप आप करते हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर और भी धीरे पढ़ाइए या और भी अच्छा पढ़ाइए, ये आप कमेंट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं इतने धीरे धीरे स्लो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए ये आ गया प्रतिबिंब, अब ये आपके लिए क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आंसर हो गया, बात समझ में आ गई, ये आपके लिए आंसर हो गया। अब हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब हमने स्टार्ट कर दिया, इधर देखिए लघु लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या प्रश्न है, प्रश्न यह है बुक में दिया गया है, सिद्ध करो कि बिंदु, बिंदु क्या है, बिंदु है आपके लिए एक कॉमा पांच और लिखा गया दो कॉमा तीन और लिखा गया है माइनस दो कॉमा माइनस ग्यारह। ये कह रहे हैं कि संरेखीय होंगे, कैसे होंगे संरेखीय, संरेखीय संरेखीय होंगे, यानी ये जो होंगे संरेखीय होंगे, एक ही रेखा पर होंगे, तो इसका प्रूफ करना है। तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है मैं लिख देता हूं, x1 y1 माइनस, यहां पर ऐसे लिखेंगे x1 by 2 माइनस y3, फिर लिखेंगे प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर जीरो, ये होता है। अगर ये जीरो आ जाएंगे तो ये संरेखीय होगा, कैसा होगा बच्चे संरेखीय होगा, पॉइंट आपके लिए दिए गए एक कामा पांच दो कामा तीन माइनस दो कामा माइनस ग्यारह, ये दिया गया है और आपके लिए प्रूफ करना है कि ये संरेखीय होगा, और कैसे होगा इसको प्रूफ करके हम बताते हैं आपके लिए। देखिए फार्मूला ये है, एक्स वन बाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, इसमें पुटअप करते हैं सब वैल्यू को, पहले हम एक्स वन और एक्स टू मान लेते हैं, ये एक्स वन ये वाई वन ये x2 ये by 2 ये x3 ये by 3, ठीक है सबको मान लिया हमने, सर एक ही आपको प्रूफ करना है। तो x1 का मान क्या है, x1 का मान है 1 तो 1 लिख दिया गुणे में, y2 का मान कितना है तो y2 का मान है 3 लिख दिया माइनस, y3 का मान कितना है तो y3 का मान यहाँ पर है
माइनस का 11, तो माइनस का 11 लिख दिया। प्लस एक्स टू का मान क्या है, एक्स टू का मान है 2 बाय 2 बाय 3 माइनस वाई 1, बाय 3 का मान है माइनस का 11, और फिर माइनस वाई 1 का मान कितना है 5। प्लस एक्स 3, एक्स 3 का मान है माइनस 2 गुणे वाई 1 का मान है यहाँ पर आपके लिए कितना, तो वाई 1 का मान यहाँ पर है ये 5। माइनस वाई 2 का मान कितना है, तो वाई 2 का मान है 3। ये जीरो दिखाना है, पूरा जीरो आना चाहिए। तो एक गुणे 3, ये माइनस की गुणा माइनस, प्लस 11 हो जाएगा, प्लस 2, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, गुणे 5 में से 3 गया 2, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ 3, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 1 गुणे 14 प्लस यहाँ हो जाएगा 16 दूनी 32 माइनस का, और माइनस का 2 दूनी 4। अब आप इसको सिंपली कर लीजिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 14 आ गया और माइनस का 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 36, और ये 36 में से 14 घटा देंगे तो ये जगह 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, तो 22 बचेगा माइनस का 22। ये देखो वैल्यू आ गई, अगर ये वैल्यू आ गई है आपके लिए तो आप ये समझिए कि अगर जीरो नहीं आया है तो इसका मतलब ये बिंदी सर्रेखीय नहीं है, तो आप लिख सकते हैं सर्रेखीय नहीं है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, देखिए यहां पर आपके लिए सवाल अगला है, सवाल क्या है आपके लिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, छठा है, छठा सवाल है आपके लिए। लिखा गया है आपके लिए कि सिद्ध करो कि बिंदु 5, -2 5, -2 अगला बिंदु दिया गया है 6, 4 और अगला बिंदु दिया गया है 7, -2 ये दिया गया है, और कह रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हम लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो बिंदु दिए गए हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कैसे प्रूफ करेंगे हम आपको बताते हैं। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो इसका मतलब आप समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ एक, ये आप मान के चलो इसकी दो भुजाएं एक जैसी आएंगी। अगर मैं ए और बी और सी ऐसे मान लूं तो आप यह समझिए कि दो साइडें कहीं ना कहीं भुजाएं बराबर होंगी, यही तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हमें दूरियों को निकालना जरूरी है, तो हम दूरी निकालेंगे, इसको ए बिंदु मानेंगे, इसको बी बिंदु मानेंगे और इसको सी बिंदु मानेंगे। तो देखिए हम पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ए बी बराबर, ए पॉइंट दिया गया 5, -2 और बी बिंदु दिया गया है 6, 4 ये दिया गया है। अब आपके लिए इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो इसको मानो एक्स वन, इसको मानो वाई वन, इसको मानो एक्स टू, इसको मानो वाई टू। तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी बराबर रूट के अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी एक्स टू का मान है 6 माइनस एक्स वन का मान है 5 का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू का मान है 4 माइनस वाई वन का मान है -2। तो ये मैंने -2 ऐसे करके लिख दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट के अंदर 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, प्लस 4 और ये माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 2 6 और 6 का स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी रूट के अंदर आ गया 37। ये आ गया, ये पहली दूरी आ गई ए बी। अब हम निकालेंगे बी सी, तो देखिए बी सी निकालेंगे, तो बी सी बराबर बी पॉइंट लिख लो आपके लिए क्या है 6, 4 और सी पॉइंट क्या है 7, -2 ये। अब आपके लिए निकालना है इनके बीच की दूरी बी सी, 6, 4 और 7, -2 के बीच में बी सी हो गया, ये स्क्वायर रूट के अंदर इसको एक्स वन, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो निकाल लीजिए x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस
वाई टू माइनस वाई वन यानी माइनस दो माइनस चार का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर आपके लिए आ गया सात माइनस छः एक का स्क्वायर और प्लस चार और दो छः हो जाएगा माइनस का उसका होल स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक प्लस छः का स्क्वायर छत्तीस प्लस में आएगा क्योंकि इवन नंबर है माइनस की पावर, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 37। ए बी और बी सी निकल आया, ठीक है। अब सी ए, सी ए सी वाला बिंदु है सात कामा माइनस दो और ए का मान है हमारे पास पांच कामा माइनस दो। इसको एक्स वन मानेंगे, इसको वाई वन मानेंगे, इसको एक्स टू मानेंगे, इसको वाई टू मानेंगे। अब इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे सी ए, तो सी ए बराबर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू का मान है पांच माइनस एक्स वन का मान है सात का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान है माइनस दो माइनस वाई वन का मान है माइनस दो, तो माइनस दो यहां लिख देंगे इसका स्क्वायर। क्या करेंगे, सी ए बराबर रूट के अंदर पांच माइनस सात हो गया आपके लिए माइनस का दो का होल स्क्वायर प्लस माइनस दो, ये माइनस क्यों गुणा माइनस हो जाएगा, प्लस दो का होल स्क्वायर यानी आ गया दो का स्क्वायर चार प्लस दो में से दो कट जाएगा यानी जीरो का स्क्वायर। तो ये आ गया स्क्वायर रूट चार प्लस जीरो, तो ये हो गया स्क्वायर रूट फोर यानी फोर का वर्गमूल दो। अब देखें यहां पर सभी दूरियां निकालनी है जिसमें ए बी जो है बराबर आया है बी सी के, यानी जो कि रूट सैंतीस है बराबर रूट सैंतीस है, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, सी ए के, और सी ए की मान आई है दो दूरी, तो इसका मतलब बिल्कुल ए बी बराबर बी सी है। इसका मतलब ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है यानी दो भुजाएं इसकी बराबर है। क्या है, दो भुजाएं बराबर है, इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं। ये सवाल आपका हो गया कंप्लीट, यानी छठा सवाल आपके लिए कंप्लीट हो गया। अब सातवें का पार्ट हम आपको कराते हैं। देखे सातवें का पार्ट, इधर देखे ध्यान से, यहां पर सातवां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले, आप बुक में देखेंगे आपके पास विद्या की बुक होगी, इसमें लघु उत्तरी प्रश्न का सातवां प्रश्न है ये। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला इसका सेवंथ का पार्ट है, आपको बताना है इसमें बिंदु दिया गया माइनस वन कमा माइनस टू, दूसरा बिंदु दिया गया वन कमा जीरो और तीसरा बिंदु दिया गया है माइनस वन कमा टू और चौथा बिंदु दिया गया माइनस थ्री कमा जीरो, ये दिया गया है। अब सिंपली आपके लिए यहां पर पता करना है कि चतुर्भुज कैसे है, तो यहां पर इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। अब सभी हमें बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, पहले ए बी की, फिर बी सी की, फिर सी डी की, फिर डी ए की, और आपको देखना है कि ये क्या बन रहा है, कौन सा कितनी दूरी आ रही है। तो पहले मैं ए बी की दूरी निकालूंगा, ए बी, ए का बिंदु है माइनस वन माइनस टू, बी का बिंदु है वन कॉमा जीरो, यही है माइनस वन माइनस टू और वन कॉमा जीरो, ठीक है। ए बी, इसके बीच की दूरी निकालनी है तो एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू निकालो, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू का मान है वन माइनस एक्स वन का मान है माइनस, तो माइनस वन लिख लो इसका स्क्वायर प्लस वाई टू का मान है जीरो माइनस वाई वन का मान है माइनस दो, तो माइनस दो लिख लो इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वन और माइनस की गुणा माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस का दो हो जाएगा तो दो का स्क्वायर, यानी रूट के अंदर वन प्लस वन टू, टू का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, यानी ये आ गया आपके लिए स्क्वायर रूट, दो का वर्ग चार हो गया प्लस यहाँ भी दो का वर्ग चार हो गया, यानी चार चार आठ, रूट के अंदर आठ आ गया। पहला ए बी आ गया, अब आप निकालिए बी सी, तो बी सी निकालेंगे, बी बिंदु लिख लो पहले एक कामा जीरो, सी बिंदु लिख लो माइनस वन कामा टू, इनके बीच की दूरी निकालो, इसको एक्स वन मानो, इसको वाई वन मानो, इसको एक्स टू मानो, इसको वाई टू मानो, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन यानी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से y2 का मान 2 है माइनस y1 का मान 0 है इसका स्क्वायर, माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर प्लस दो में से 0 गया तो 2 का स्क्वायर
यानी ये आ गया आपके लिए 2 का वर्ग 4 और प्लस 2 का वर्ग 4। यहाँ पर ये माइनस का स्क्वायर है, लेकिन इवन नंबर है, सम संख्या, इसलिए प्लस आएगा। तो 4 + 4 रूट के अंदर 8 हो गया, ये भी 8 ही आया। अब हम आपके लिए निकालेंगे सी डी निकालेंगे। सी का मान है -1, 2 और डी का मान है -3, 0। तो हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे। देखिए ध्यान से, ये x1 है, ये y1 है, मैं लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 माने -3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 - y1 का मान है 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर -3 और ये -, प्लस हो जाएगा 1, तो 3 में से 1 चला जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके लिए 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट के अंदर 8। ये भी 8 दूरी आई है। अब इसी तरीके से एक पॉइंट और बचा आपके लिए, डी और ए का। तो डी और ए का भी बिंदु हम आपके लिए बता देते हैं। डी और ए, डी बिंदु है आपके लिए -3, 0 और ए बिंदु है आपके लिए -1, -2। इसके बीच की दूरी निकाल लो डी ए बराबर स्क्वायर रूट के अंदर, इसको x1, इसको y1 और इसको x2, इसको y2। x2 - x1 यानी -1 और माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस का 3 लिखो पहले, स्क्वायर प्लस। y2 का मान है -2 और माइनस y1 का मान 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dA बराबर -1 और ये माइनस की गुणा माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके लिए 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4, यानी ये आ गया √8। यानी सभी दूरियां बराबर हैं, तो हमें कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर √8, यानी सभी बराबर हैं। और जब किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। तो हमें इससे पता चला कि एक वर्ग बनेगा। कैसा वर्ग बनेगा? ऐसे √8 √8 √8 √8, ये बनेगा वर्ग। तो आपने देखा, यहाँ पर हमने आपके लिए 2 सवाल बताए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और आप इनको तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखा आपने कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कराए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। कैसे कराए हैं? बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। आप देखिए कि कितना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो कि मैथ जो है, मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कैसा है? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो हम इसको बहुत ही जॉयफुली करेंगे, बहुत ही प्यार से करेंगे, बहुत ही ध्यान से करेंगे। और क्वेश्चन अगर एक बार नहीं हो रहा है बच्चे, तो दोबारा करके देखो उसको, तो होगा ही होगा। एक बार नहीं तो दोबारा तो होगा ही होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, हमारी जब जब आप वीडियो देखें तो पेन को लेकर के, कॉपी को लेकर के साथ में बैठिए, और जैसा कि हम कराते जा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, देख लीजिए क्या आ रहा है ये, फिर से पॉज कर लीजिए, फिर से देख लीजिए करके। तो ऐसे आप अच्छे तरीके से सीख सकते हो। आई होप आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को सीख गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।